नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकुमार और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर सिस्टम के एंटीवायरस के बारे में। काफ़ी फ्रेंड्स के हमें Instagram पर मैसेज आए थे कि हम कंप्यूटर तो इस्तेमाल करते हैं या फिर लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, अगर हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में या फिर लैपटॉप में एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं करते हैं, चाहे वो फ्री वाला हो या फिर एक पेड एंटीवायरस हो, तो क्या हमें कोई नुकसान हो सकता है, क्या हमारा कोई डाटा लॉस हो सकता है, हमें ये एंटीवायरस अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करना कितना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा कि एंटीवायरस को आखिर में इंस्टॉल करना चाहिए या फिर नहीं इंस्टॉल करना चाहिए, और अगर आप एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं करते हो तो आपको क्या नुकसान हो सकता है। तो वीडियो को कम्प्लीट देखना, स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि इंटरनेट पर यूट्यूब पर आपको हज़ारों वीडियोज़ मिल जाएंगी, लेकिन कोई भी आपको एंटीवायरस के बारे में ये सच्चाई नहीं बताएगा। तो आज की वीडियो कम्प्लीट देखना ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिले, आपको कुछ नई जानकारी मिल सके। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि हम बात कर रहे थे, आज की वीडियो में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं कि एंटीवायरस आखिर काम कैसे करता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम आज से 5 या फिर 10 साल पहले की बात करें, तो उस केस में क्या होता था कि मॉनिटर वाले कंप्यूटर्स होते थे, और आजकल जैसे हर किसी के घर पर कंप्यूटर होता है, वैसे हर किसी के पास कंप्यूटर नहीं होता था। और जब उस टाइम कंप्यूटर्स थे, तो उस टाइम आपने भी देखा होगा, अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हो या फिर आप आईटी फील्ड से हो, तो आपने देखा होगा कि पहले के टाइम पे सिर्फ विंडो एक्सपी ही हर जगह यूज़ होता था, चाहे वो स्कूल कॉलेज हो या फिर ऑफिस हो। और जो एक्सपी विंडो था, उसका एक बेनिफिट तो ये था कि वो विंडो को इंस्टॉल करना भी काफ़ी इजी था। हालांकि आज की डेट में भी हम पेन ड्राइव से इजीली कोई भी विंडो इंस्टॉल कर लेते हैं, लेकिन देखा जाए तो विंडो 98 था या फिर कोई और विंडो था, उसको इंस्टॉल करना काफ़ी मुश्किल होता था पहले के टाइम पे, क्योंकि पहले फ्लॉपी डिस्क होते थे, उसके बाद सीडीज़ और डीवीडीज़ का यूज़ होता था, लेकिन अभी तो पेन ड्राइव से हम इजीली बूटेबल बना के उसको विंडो को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मेन पॉइंट पे आते हैं कि पहले के टाइम पे हम विंडो एक्सपी को यूज़ करते थे, जो कि काफ़ी लाइट वेट विंडो होती थी, और अगर हमारे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी ठीक नहीं है, यानी कि रैम थोड़ी कम है या फिर प्रोसेसर इतना हैवी नहीं है, तो तब भी हम विंडो एक्सपी आराम से उस पर रन कर लेते थे, हमारे काम आसानी से हो जाते थे। लेकिन उसका ड्रॉबैक क्या था कि विंडो एक्सपी में बहुत ही जल्दी कोई भी वायरस आ जाता था। आपने देखा होगा कि पहले अगर आप डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज़ करते होंगे, तो आपने विंडो एक्सपी का यूज़ किया होगा, तो उस केस में आपकी महीने में दो बार या फिर महीने में एक बार तो विंडो करप्ट हो ही जाती होगी, क्योंकि उस केस में क्या होता था कि उसमें बहुत सारे बग्स थे उस विंडो में। धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी अपडेट हुई है, विंडोज़ ने भी, माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया है, अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव किया है, अपनी विंडोज़ को इम्प्रूव किया है। आपने देखा होगा, अगर आप एक जेन्युइन विंडो को यूज़ करते हो, तो आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स देखने को मिलते हैं। अगर कोई विंडोज़ में कमी रह जाती है, तो टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग माइक्रोसॉफ्ट आपको अपडेट्स प्रोवाइड करता है, जैसे आपके मोबाइल्स के अपडेट आते हैं, तो वैसे ही आपको विंडोज़ के भी अपडेट देखने को मिल जाते हैं, वो भी आपको टाइम टू टाइम अपडेट कर लेने चाहिए। और अगर हम बात करें एंटीवायरस के बारे में, तो अगर तो आप विंडो एक्सपी यूज़ करते हो या फिर विंडो 7 यूज़ करते हो, तो उस केस में आपको एंटीवायरस इंस्टॉल कर लेना चाहिए। या फिर अगर आप विंडो 10 यूज़ करते हो या फिर आप विंडो 8 यूज़ करते हो, तो आपने देखा होगा कि उसमें आपको विंडो डिफेंडर नाम का एक RAD उसके अंदर ही आपको ऑप्शन मिल जाती है, जो कि विंडो डिफेंडर क्या करता है कि अगर कोई मालवेयर फाइल्स, अगर आप कोई ऐसी पेन ड्राइव उसमें कनेक्ट कर देते हो, या फिर आप कोई ऐसी वेबसाइट पर जाते हो जो एक ट्रस्टेबल वेबसाइट नहीं है। आपने देखा होगा काफ़ी यूट्यूबर्स अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं कि आप ऐसे करके इस वेबसाइट पर जाइए, आपको क्रैक वर्जन मिल जाएगा, आपको ये गेम फ्री में मिल जाएगी, आपको ये सॉफ्टवेयर फ्री में मिल जाएगा, तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारी एड्स देखने को मिलती हैं। उसमें आपका तो कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन उनका काफ़ी फ़ायदा होता है। जैसे ही उनको एड्स देखती हैं, तो उनकी जो इनकम है उसमें
बढ़ोतरी होती है, उनकी इनकम इंक्रीज़ होती है, लेकिन आग को घुमा फिरा के उन्हीं वेबसाइट पर भेजा जाता है, वहाँ पर वायरस आने का सबसे ज़्यादा खतरा होता है। तो अगर हम एंटीवायरस की बात करें, अगर तो आप एक नॉर्मल यूज़र हो, आप ट्रस्टेड वेबसाइट पर ही विजिट करते हो, आपने जस्ट अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में मूवी देखना होता है, या फिर MS ऑफिस में थोड़ा बहुत काम करना होता है, आपने VLC मीडिया प्लेयर पर मूवी देख ली, आपने MS ऑफिस पर अपना वर्ड यूज़ कर लिया, एक्सेल यूज़ कर लिया, तो उस केस में आपको एंटीवायरस की मैं नहीं समझता कि कोई ज़रूरत है। क्योंकि जो आजकल विंडोज़ है, जैसे विंडो 10 है, अगर आपने विंडो 10 इंस्टॉल करी हुई है और वो आपने देखा होगा, उसमें आपको विंडो डिफेंडर ऑलरेडी ही मिल जाता है, जो कि ठीक ठाक एक एंटीवायरस का काम कर देता है। अगर उसको कोई ऐसी फाइल देखने को मिलती है, वो डिटेक्ट करता है कि इसमें वायरस हो सकता है, तो वो आपको नोटिफिकेशन दे देता है राइट साइड, जो उससे आपको पता चल जाता है कि इसमें वायरस है, तो वो आप फाइल को डिलीट कर देते हो, या फिर वायरस को जो नोटिफाई करके वो देता है, वहाँ से भी वायरस को डिलीट करने की ऑप्शन मिल जाती है। तो उस केस में इतना कंपलसरी नहीं है कि आपको एंटीवायरस इंस्टॉल करना ही चाहिए। लेकिन अगर आपका डाटा कुछ इंपॉर्टेंट है, आपकी कोई कंपनी है, या फिर आपका कुछ ऐसा डाटा है जो आप डेली असेस करते हो, या फिर आप एक ऐसे यूज़र हो जो क्रैक वर्जन ढूंढते हो, कोई भी गेम डाउनलोड करते हो, यानी कि अलग अलग वेबसाइट पर आप विजिट करते हो, तो उस केस में आपको एंटीवायरस डेफिनेटली इंस्टॉल कर लेना चाहिए। क्योंकि क्या पता आप किसी ऐसी वेबसाइट पर विजिट कर रहे हो जहां पर कोई RAD वायरस हो, तो वो वायरस भी जैसे आप गेम डाउनलोड करोगे या फिर कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, तो उसके साथ ही वो वायरस भी डाउनलोड हो जाएगा। आपने कई बार देखा होगा, अगर आपने कोई क्रैक वर्जन डाउनलोड किया है किसी ट्रिक के माध्यम से, या फिर किसी ने आपको प्रोवाइड किया है कि आप ये लिंक पर क्लिक कीजिए, आपको ये क्रैक वर्जन मिल जाएगा, आपको ये गेम डाउनलोड करने को मिल जाएगी फ्री में, तो उस केस में कई बार क्या होता है कि हमारा विंडो डिफेंडर दिखाता है कि इसमें वायरस है, लेकिन फिर भी हम जल्दबाजी में उसको अलाउ करके परमिशन दे देते हैं और उसको इंस्टॉल कर लेते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो फाइनली मैं आपको यही अब कहूँगा कि अगर तो आप एक नॉर्मल यूज़र हो, आपने जस्ट अपने लैपटॉप पे एक मूवी देखना होता है, छोटे मोटे आप टास्क परफॉर्म करते हो, यूट्यूब देख लिया, या फिर जीमेल आपने ओपन कर लिया, बस इन्हीं ट्रस्टेड वेबसाइट पर जाते हो, तो उस केस में आपको एंटीवायरस इंस्टॉल करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपको फालतू में पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अलग अलग वेबसाइट पर विजिट करते हो, डेली कोई ना कोई ब्राउजिंग करते हो, अलग अलग लिंक को फॉलो करते हो, तो उस केस में आपको एंटीवायरस इंस्टॉल कर लेना चाहिए। और दूसरी बात आती है कि हमको पेड एंटीवायरस इंस्टॉल करना चाहिए या फिर आपको फ्री वाला एंटीवायरस इंस्टॉल करना चाहिए। आपको इंटरनेट पर हज़ारों एंटीवायरस मिल जाते हैं जो आपको फ्री में मिल जाते हैं, साथ ही में उनकी सीरियल की भी मिल जाती है, उनका क्रैक वर्जन भी मिल जाता है। तो ऐसे केस में मैं आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूंगा कि आपको वो फ्री वाले एंटीवायरस बिल्कुल भी इंस्टॉल नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी ही क्रैक किए होते हैं, पता नहीं उसमें कोई वायरस रखा होता है जिसने भी उसका क्रैक वर्जन बनाया होता है, या वो मतलब आपके बैकएंड पे वो आपके सिस्टम को ट्रैक करता रहेगा, आपके सिस्टम को मॉनिटर करता रहेगा। तो उस केस में कह सकते हैं हम कि वो आपके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, आपको उससे अच्छा है तो आप एंटीवायरस इंस्टॉल ही ना करें अगर आप फ्री वाला एंटीवायरस यूज़ करते हो। अगर आपके सिस्टम में, आपके लैपटॉप में अभी भी फ्री वाला एंटीवायरस है, तो आप तुरंत उसको डिलीट कर दीजिए, क्योंकि उससे अच्छा तो जो आपको विंडो डिफेंडर नाम का विंडो में इनबिल्ट ही मिलता है, वो काफ़ी अच्छे से काम करता है। अगर आप एक जेन्युइन काम करते हो, तो उस केस में आपका विंडो डिफेंडर से ही काम चल जाएगा, आपको एंटीवायरस इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी कोई कंपनी है, आपका कोई डाटा सिक्योर है, कुछ कॉन्फिडेंशियल आपकी वेबसाइट है, या फिर कुछ डाटा आपका ऐसा है लैपटॉप में, आपकी ड्राइव में, जो आप चाहते हो कि कोई अनऑथराइज पर्सन हैक ना कर सके, कोई और यूज़र आपकी बिना परमिशन पे उसको असेस ना कर सके, तो उस केस में आपको डेफिनेटली जो है वो एंटीवायरस इंस्टॉल कर लेना चाहिए। आप कोई सा भी एंटीवायरस इंस्टॉल कर सकते हो, मैं आपको कोई भी एक रिकमेंड नहीं करूँगा, आपका जैसा भी बजट हो आप उस केस में यूज़ कर सकते हो। मार्केट में काफ़ी सारे एंटीवायरस हैं, जैसे कि क्विक हील है, अवीरा है, अवास्ट है, AVG है, काफ़ी सारे एंटीवायरस आते हैं जो आपको 400-500 की रेंज में एनुअली मिल जाते हैं। आप 1000 रुपये से लेके 2000 तक, और नॉर्मली 400-500 की रेंज में आपको एक साल के लिए एंटीवायरस मिल जाता है, आप कोई सा भी परचेज कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो, अगर आप ज़्यादा वेबसाइट पर विजिट नहीं करते
करते हो, आपका ठीक ठाक एमएस ऑफिस में काम होता है, यूट्यूब पे काम होता है, जीमेल पे काम होता है, इसके अलावा आप अनऑथराइज्ड वेबसाइट पर नहीं जाते हो, तो उस केस में आपको कंपलसरी नहीं है कि आपको एंटीवायरस इंस्टॉल करना ही है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके जितने भी क्वेश्चंस थे, आपके जितने भी डाउट थे, जितने भी हमें इंस्टाग्राम पर आपकी क्वेरीज आई थी, वो सारी की सारी मैंने सॉल्व कर दी है। अगर अभी भी आपके मन में कोई भी एंटीवायरस को लेके कन्फ्यूज़न है, कोई भी आपको डाउट है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिख सकते हो, हम ज़रूर आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। और एंटीवायरस से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको अगर और चाहिए तो मैं इसका पार्ट टू भी बना दूंगा, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको और भी डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। तो मैं आशा करता हूं इस वीडियो में आपने कुछ नया सीखा होगा, आपको कोई नई जानकारी मिली होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही में वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ, ताकि उनको भी एंटीवायरस से रिलेटेड नई जानकारी मिल सके। तो ऐसे ही टेक्नोलॉजी के रिलेटेड और टिप्स एंड ट्रिक्स के रिलेटेड नई नई वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही में बेल आइकन को भी दबा देना, और साथ ही में हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर देना, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। और अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूज़न है, अगर आपके कोई भी सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, और इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर भी हमें मैसेज कर सकते हो। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें इंस्टाग्राम पर बता सकते हो, हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपके जो भी सवाल है, आपके जो भी कन्फ्यूज़न है, उसको हम दूर कर सकें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।